हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। हमारे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज के होम रेमेडी में हम लेकर आए हैं ये ऐसा पैक जो हमारे चेहरे के चमक को बढ़ा दे। ये हमारा मलाई का पैक है फ्रेंड्स। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा। चेहरे की बात हो तो चेहरे को सुंदर बनाने के लिए अक्सर लोग महंगे स्किन के लिए केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा केमिकल होता है जो आपके चेहरे को नुकसान भी हो सकता है। चेहरे को अगर अच्छा शाइनिंग और चमकदार बनाना है तो ये पैक आप जरूर। आइए हम बताते हैं कि हमें ये पैक बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। लिया है यहाँ पे थोड़ी सी ये मलाई। मलाई एक प्राकृतिक एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है हमारे चेहरे पे, साथ ही साथ त्वचा को पोषक भी देती है। ये मलाई निखरी त्वचा के लिए दूध की मलाई बहुत ही फायदेमंद होती है। मलाई से बनी इस फेस पैक को त्वचा को सुंदर बनाने के साथ साथ त्वचा के निखारपन देने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। दूध की ये मलाई इस्तेमाल हम कई तरीक़ों से भी कर सकते हैं। इसमें तो फैट की काफ़ी मात्रा होती है, इसलिए बहुत लोग इसका इस्तेमाल खाने में नहीं करते हैं, लेकिन निखार के लिए दूध की मलाई काफ़ी फायदेमंद है। मलाई में मौजूद फैट त्वचा को मॉइस्चराइज करता है तथा मलाई त्वचा को पोषक भी देता है। मलाई में हम ऐसे कुछ चीज़ मिला देंगे जिससे हमारी त्वचा का निखार खुल के आएगा। फ्रेंड्स, हमारा चीज़ इसमें ऐड किया है ये हमारा बेसन। बेसन जो है स्किन के लिए ज़्यादा गुणकारी माना जाता है। यह सन न सिर्फ फेस को चमकाने के लिए बल्कि फेस की किरण मुहासे को दूर करता है और फेस की गंदगी को निकाल देता है और त्वचा को गोरा और चमकदार बना देता है। स्किन के लिए तो घरेलू नुस्खों में सबसे पहले बेसन ही मुख्य माना जाता है। बेसन में ऐसे कई तत्व होते हैं जो स्किन के गंदगी को बाहर निकालकर और आपके त्वचा को स्मूथ, सुंदर और चमकीला बना देता है। इसमें जो मौजूद चिंक्स और पिंपल्स होते हैं उसमें कील से भी बचाव करता है। स्किन में अगर टैन हो गई हो बेसन सबसे अधिक लाभकारी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ले लिए हैं थोड़ी सी बेसन। फ्रेंड्स, हम इसमें तीसरा चीज़ जो ऐड करेंगे ये हमारा है हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, आपको हल्दी पाउडर, कस्तूरी हल्दी पाउडर लेना है या फिर घर की बनी हुई गांठ का ही पाउडर लेना है। मार्केट की हल्दी नहीं लेनी है। मार्केट की हल्दी से आपको इन्फेक्शन और कील मुहासे की प्रॉब्लम हो सकती है। जो हमारा ये हल्दी है इसमें एंटी बैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं। इसमें हल्दी में बैक्टीरियल से लड़ने की क्षमता होती है और चेहरे को साफ, स्वस्थ और चमकदार बनाने की भी क्षमता होती है। हल्दी से चेहरे पर लाइट आ जाती है, चेहरे पर होने वाली फुंसी, फोड़े आदि से भी छुटकारा मिलती है। फ्रेंड्स, हमने लिया है यहाँ पर चौथी चीज़ है जो है ये टमाटर। फ्रेंड्स, हमारे टमाटर में प्राकृतिक एक्सफोलिएटर के गुण पाए जाते हैं। टमाटर में विटामिन ए, बी, सी और के गुण होते हैं जो सेहत के साथ साथ ही हमारे चेहरे के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह टमाटर टैनिंग को दूर करता है, एक्ने को कम करता है। यह त्वचा को ग्लोइंग और जवाब बनाने में मदद करता है। यह त्वचा के झुर्रियों को कम करता है, स्किन को हेल्दी और शाइनिंग बनाता है। टमाटर सेलुलोइट डैमेज से लड़ने को तथा नमी बरकरार रखने के गुण पाए जाते हैं जिसमें रिंकल और झुर्रियों को कम कर देता है। टमाटर में मौजूद एसिड आपके झुर्रियों और पिंपल्स को कम करके स्किन को साफ और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने ले लिया एक चम्मच टमाटर का रस। इस तरह से हम टमाटर के रस को निकाल लेंगे और पेस्ट में मिला देंगे। अच्छी तरह से हम पूरे को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे को मिक्स कर लिए हैं। हमें ये पैक किस तरह से अपने चेहरे पे अप्लाई करना है फ्रेंड्स। हमें सबसे पहले अपने चेहरे को क्लीन कर लेना है, फिर इस पैक को पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। इस तरह से हमें इस तरह से अपने चेहरे पे पैक को अप्लाई कर लेना है और 5 मिनट तक हमें मसाज करना है।
5 मिनट मसाज करने के बाद इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना, जब तक आपका ये पैक अच्छी तरह से सूख न जाए। फ्रेंड्स, इस पैक को लगाते ही आपका त्वचा जो है, चेहरा एकदम मुलायम हो जाएगा, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा और स्किन टोन, ब्राइटनेस और चमक जाएगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो हफ्ते में इसे 2 बार ये अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। अगर नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो आप हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।